13,700 फीट की बुलंदी पर, ठीक है। और हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज, क्या हाल चाल है आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत अच्छे होंगे और आप सब की ईद अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी ईद अच्छी गुजरी है। आज ये मेरा आई गेस तीसरा व्लॉग है, ठीक है। और तीसरे व्लॉग के अंदर आज गेस करें हम कहाँ जा रहे हैं, कमेंट में बताएं, जल्दी बताएं। 5 सेकंड है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 सेकंड में जिसका जवाब आया उसको मैं लाइक करूंगा और मैं उसके लिए स्पेशल गिफ्ट अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एंड चलो अब मैं आपको रिवील करता हूँ कहाँ जा रहे हैं। अभी यकीन जाने हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मेरे दोस्तों से मेरी बात हुई है 5-6-7 मिनट पहले, ठीक है, और मैं अभी सोकर उठा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार हम लोगों ने जाना है कहीं प्लान बनाने के लिए। मैंने कहा चलो, कह रहे थे नीलम वैली सवात, और फिर साथ में मुझे कह रहे थे कि यार बाबूसर टॉप। मैंने कहा यार इकट्ठे तो हो जाओ ना, निकल जाएंगे, डिसाइड ही नहीं हो रहा था। तो बस सभी में उठो, हालत देख रहे हैं, बिगड़ी भी है, जाके तैयार होना है, टाइम बहुत शॉर्ट है, 7 बजे का टाइम और 6 बज चुके हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी तैयार होना है। मैं आपको 2 मिनट में मिलता हूँ वापस। हेलो जी बॉयज, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जनाब सॉरी, बीच में मैं कट हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग जो हैं वो तैयार शायद हो रहा था, बीच में लाइट चली गई, फिर दोस्त की कॉल आ रही थी, ठीक है, बिला आदमी, ठीक है, इसके गाड़ी देख रहे हो, जनाजा नंबर वन, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जिसमें खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, कॉलों पे कॉले, नहा रहा था मैं तो मोबाइल बची जाए, बस फिर मैं नहाया हूँ, निकला हूँ, फिर इसका नई चीज़ आ गई, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वीडियो, ठीक है। मेरे को पता क्या कहता है, मेरे को कहता है कि मेरे गिफ्ट ले आई शादी के, ठीक है, एक मिनट सब्र रखो, मैं अब आपको इसके अलावा देखिए खोल रहा है वो, ठीक है, ये देखो ये है इसके गिफ्ट, ठीक है। अब इसके गिफ्ट लाने थे, गिफ्ट ना लाने होते ना तो मैं आपके लिए एंट्री ब्लॉग की बना देता दूसरी वाली। खैर चलो, बाकी सारी चीजें चलती हैं, अभी हम अपने दोस्त का चलता हुआ आ रहा है दूर से, देखें इसके हालात। वालेकुम सलाम भाई, क्या चल रहा है? अच्छा ये सोच रहे थे आज हमने बनाना स्टार्ट कर दी, इनको थोड़ा सरप्राइज देते हैं अपना चैनल दिखा के, ठीक है। जनाब सीन कुछ ऐसे हैं कि 7 बजे मुझे इस आदमी ने उठाया था, इस मोटे आदमी ने, ठीक है, 7 बजे उठाया था, ठीक है, 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम कैनी साहब के पास थे। कैनी साहब अभी टाइम क्या हो रहा है जी? 9:07 जी। हाँ जी, टाइम हो गया है 9:07, ठीक है, और हम अभी तक एक आदमी का इंतजार कर रहे हैं, पर वो आदमी को आते आते आई गेस टाइम 9 बज चुके हैं, 2 घंटे से खुवारी काटी है, सब कुछ काट लिया है, और अभी माइंड सोच के ये बनाया है कि अभी हम अरंगकेल जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे की खुवारी में हम लोगों ने कुछ खाया पिया है और साथ में गपशप लगाई है, ठीक है, अभी वो आता है। जनाब अभी जनाब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनका इंतज़ार कर करके हम तंग आ चुके हैं। ये जवाद साहब हैं और ये हमारा जो है वो पसीना निकल आया, ठीक है, खून पसीना अल्लाह करे अभी पसीना खून अल्लाह पाक किसी का भी ना निकाले, ठीक है। तो वो कहीं आगे से फ्यूल अप करा रहा है, अभी हम गाड़ी चेंज करेंगे और बस निकलने वाली है। हाँ जी जनाब, वो तेल हम लोगों ने भरवा लिया, ठीक है, तेल शेयर भर गया, ये हमारे बेचारे जवाद साहब आ गए, ठीक है, जवाद साहब हेलो कर दें वहाँ को, ठीक है, इन्होंने हमें बड़ा इंतजार कराया, 2 घंटे इन्होंने फुल टाइम फारी कटवाई है, ठीक है, अभी हम गाड़ी लगाते हैं बस निकलने वाली। वो हमारा जनाजा जा रहा है गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी खड़ी कर दी हम लोगों ने, रेडी हो गए, ठीक है। अभी सडनली आप लोगों को एक सरप्राइज प्लान है कि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि सवात जाएंगे, सवात से प्लान कैंसिल हुआ, खेल का खेल से प्लान कैंसिल हो गया, चला गया गुजरात पास का, मैं नहीं मानता। तो बॉयज आज आपको जो वीडियोस मिलने वाली है गुजरात पास की, नेक्स्ट आपको अच्छा लगेगा, अगर मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ब्लॉग को मैं 2-3 पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग होगा, एक आप लोगों को ब्यूटी दिखानी है और आप ब्यूटी के शौकीन भी हैं तो काइंडली सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, पर ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल फिर प्लान कहाँ का बना है? ठंडे बॉर्डर पे, ठंडे बॉर्डर स्वस्थ बॉर्डर का प्लान बन गया जनाब, हो गया निकल रहे हैं, दो बंदों को खुशखबरी मिली, अल्लाह करे आपको भी मिल जाए, अल्लाह करे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बॉयज, हम लोग निकलने वाले हैं, ठीक है, और अल्लाह का नाम ले रहे हैं,
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا من المكرمين وإنا على من قالبون. ठीक है, अल्लाह पाक हम सब की इज्जत मान में रखे और आप सबको इज्जत मान में रखे, आगे चलते हैं जैसे जाते हैं। सीन ऐसे चल रहे हैं कि अभी हम रास्ते में रुके हैं, ठीक है, कुछ हल्का फुल्का सा रेस्ट वेस्ट करें, ठीक है, टांगे वगैरह सीधी करें, ठीक है, तीन चार घंटे हो गए मानसारा रुके, ठीक है, तीन चार घंटे से फुल टाइम ड्राइव चल रही है, ड्राइवर भी चेंज करते हैं और देखें किधर हम रुके हैं। ये छोटी सी जगह, थोड़ा मशरूम शशरूम से होकर आते हैं, तो बाकी उसके बाद फिर दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। जी तो बॉयज कुछ केक शेक लिए हैं, ठीक है, कुछ बॉटल्स लिए हैं और उसके बाद एक पैन प्लेन केक खाने का दिल है, ठीक है, और ये भाई हैं, ठीक है, रात बेकरी है और चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा बॉयज, अपडेट ये है कि अभी हम लोगों ने टूल दिया है, कोई एक टूल आया रास्ते में, ठीक है, 50 रुपया उसने लिया हमसे और नेक्स्ट जो है वो अभी हम आगे टुवर्ड्स नारान का गांव चल रहे हैं। हमारे ये जितने भी ये जितने पीछे बैठे हैं ना, ये पीले बंदे, ठीक है, इनमें से एक हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, वो पीछे आपको नजर आ रहा है कहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वो लेकर रहा है 50 रुपए, 50 रुपए लगाए हैं, ठीक है, और ये दूसरा हमारा पीला ब्लॉगर है, ठीक है, जिसने अभी तक ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की मगर इमरान खान का कटर सपोर्टर है, ठीक है, कहता है इमरान खान ही है, खान ही खान है, दूसरा ये खुद पठान है, ठीक है, ऐसा ही है, जा लगा दे जो भी लगाना है। तो बस अभी ऑलमोस्ट 5 घंटे की ड्राइव होने वाली है, तो सफर अभी कोई 10-12 घंटे का और बाकी है, उम्मीद है कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे और हम खुंजराब पास देख आएंगे, क्योंकि वहां 4 बजे तक की लिमिट है, अगर 4 बजे के बाद गए तो वो आगे जाने नहीं देंगे, कोशिश यही है कि कल शाम 4 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएं और घूम फिरें। क्या आँखों में कितने कुछ ड्यूटी से मांगे, अगली गाड़ी में लड़के हैं या लड़के हैं, ड्राइवर बड़ा मजे का है, यकीन मान क्या नहीं, उसने किसी जगह आसरा नहीं किया पिछले को 20-30 आधे घंटे से, हम इसके पीछे लगे हुए और इस बंदे की ड्राइविंग देखने, मतलब कैसी कैसी जगह से गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी को भी कुछ नहीं, ब्रेक है ही नहीं इसके पास, निकली गई है, सीन इसने पीछे लाइटें देखा हमसे आगे हो गया, फिर बाद में बहुत कोशिश की इसने कि हम पीछे हम किसी तरह जनाब, उसने इतनी रुके हैं थोड़ी देर यहाँ पर, कौन सी जगह है ये नारान से पीछे है, नारान से पीछे है, आप एक गाड़ी देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जिसकी वीडियो बना रहे थे, सही है, और ये भाईजान है ड्राइवर, तो ये फुल टाइम इनकी ड्राइवरी के ऊपर अखीर है और यकीन माने मैं इनका फैन हो गया हूँ। ठीक है, और बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी हम खुद से कर रहे हैं, ये दो उतरे पीले, इनको ठंड लग रही है और ये नीचे चल रहा है, बड़े मजे का मौसम, दरिया कुनौट, दरिया कुनौट बड़े मजे से पानी जा रहा है, बहुत मजे की ठंड है, जैसे कि मरी में होती है आजकल के मौसम में, ठीक है, सेम इस्लामाबाद की तरह, वो ऊपर है भजन चांद, ठीक है, और वो सामने मस्जिद, और ये हैं हम, ठीक है, और ये हैं वो दो इंसान, आगे मिलते हैं आपको, गिलगित तक इन्हीं के साथ ट्रेवल करेंगे और फिर आपको गेट देते चलेंगे, मिलते हैं थोड़ा आगे करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है कि हमारे जवाब साहब ने पीछे नमाज पढ़नी थी तो वो नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं,
तो सलमान जनाब साहब निकल गए हैं आगे, ठीक है। अभी हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या हम उन्हें पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड थी ना बहुत मजे की स्पीड थी, ठीक है। अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं मैच करने की, बट बहुत मुश्किल है। तो अभी आप नज़ारे देखें, माशाल्लाह कुदरत के क्या हसीन नज़ारे हैं। बाकी निकल रहे हैं कागान वाली साइड से, और आगे बहुत मजे का मंदिर है, बाटा कुंडी के करीब करीब है हम लोग। सही चस्क रहा है, ठंडी हवा। हाँ जी, तो बॉयज यार सीन ऐसा है कि ये बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, इस बैकग्राउंड को देखने के लिए तो कुछ तस्वीरें उतारने के लिए रुके हैं, ठीक है। खास तौर पर ये भजन, इनको बड़ी ठंड लग रही है आज, ठीक है। दूसरा वो है, उसने तस्वीरें उतार रही हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इन्जॉय करते हैं, हल्का फुल्का आए इन्जॉयमेंट करने के लिए, थोड़ा ब्यूटी इन्जॉय करते करते जाएंगे और आपको ब्यूटीज दिखाएंगे, ठीक है। और देखें बस पहाड़ देखें आप, आपको मेरा कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, बट यकीन माने इस ब्यूटी को देखने के लिए दूर दूर से आवाम आती है, और हम भी दूर से आए हैं, ठीक है। ये है द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। पेट्रोल आगे जाके डलवाते हैं, हाफ टैंकी हो चुकी है, ठीक है। और हमने कितने किलोमीटर मारी है गाड़ी, हमने 306 किलोमीटर गाड़ी मारी है, ठीक है। अभी 400 किलोमीटर रास्ता बाकी है हमारा, ऑलमोस्ट 400 समथिंग। और सामने उन पहाड़ों की रोशनी, बहुत मज़े की है और बड़े मज़े का मौसम है। चलते हैं आगे और बस आपको आस्ता आस्ता इंफॉर्मेशन देते हुए जाते हैं, मज़े का आप इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। हाँ जी, तो भाई हम पहुँच चुके हैं लालूसर लेक, आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़े मज़े का नज़ारा है और बड़ा ही मार्वेलस है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो सडन प्लान बना है उसका हिसाब पूरा हो रहा है, गाड़ियाँ हमारी स्टार्ट कि एकदम से ठंडी ना हो जाए फिर प्रॉब्लम, और थोड़ा सा आइटोफोबिया का भी है, ठीक है। एकदम से पहाड़ी पर जाना, थोड़ा सा ज़रा ऑक्सीजन वगैरह का लेवल बराबर कर लें, तो आप देखें तब तक ब्यूटी लालू सर ले की हम ज़रा इंजॉय करते हैं। अभी हम रुके हैं थोड़ा सा बाबूसर से पहले, ठीक है। कुछ एक दुकान सी हमने देखी है, ठीक है। उस दुकान के अंदर हम लोगों ने ज़रा सा कुछ फ्रूट वगैरह देखे हैं, ज़रा दिल किया है कुछ फ्रूट वगैरह लें और आगे की तरफ निकलें, देखें, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये व्यू है बाबूसर से पहले का, ये हमारी गाड़ी है, ये हम है, और ये पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। आर यू कॉमेडी मी, ठीक है। एंजॉय करें बॉयज, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद है आपको मजे का लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। मजेदार। जी तो बॉयज हम लोग आ चुके हैं बाबूसर टॉप के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे टॉप चल रहा है, ज़रा आगे इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पॉट्स वगैरह देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं टॉप यहाँ से नज़र आएगा या वहाँ से नज़र आएगा।
सलमा, ठंडी यह हवा चल रही है ठीक है, और मैक्सिमम मौसम है, और शायद आपको फील भी हो रहा हो कि मेरे माइक में ना सही हवा आ रही होगी और जस्ट आ रही है। हाय हाय हाय, गोल्ड टाइम चस्सी मॉल है, चलते हैं आपको शॉर्ट सिखाते हैं कुछ। खुदा की कुदरत को देख के सुभान अल्लाह एक दफ़ा ज़रूर करिएगा और चलते हैं आगे। सीन ऐसे हैं कि हम लोग जो हैं अब कंटिन्यू कर रहे हैं वापस आगे की तरफ। बाबू सर के आपने शॉर्ट्स देखे, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब आगे चलते हैं चिलास, देखते हैं कहाँ का इरादा बनता है। वैसे बंद तो उंजा का रहा है, उंजा से स्टे करेंगे नाइट का, नाइट स्टे मारते हुए डायरेक्टली फ्रॉम उंजा टू खुंजराब या फिर गिलगित की तरफ निकल जाएंगे। लेट्स सी, आगे चलते लॉग अपडेट करते हैं। ये मेरा प्यार है जिंदगी का, इंशाल्लाह मैं इसको पालूंगा। अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं इसको इतना बड़ा करके ना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, तो जनाब बाबू सर टॉप की एक मशहूर दीवार जो शायद आप लोगों ने दिखाई ना हो, ठीक है, मेरे साथ मेरे दोस्त कैनी साहब 13,700 फीट। देखें सर, आप मौजूद हैं 13,700 फीट की बुलंदी पर, ठीक है, और बाबू सर टॉप है ये। बात ठीक उन्होंने की है, ऑक्सीजन की वाकई में थोड़ी कमी महसूस हो रही है, हल्का फुल्का सा लग रहा है कि थोड़ा टफ है। आस्ता आस्ता उतरेंगे नीचे चिलास की तरफ, पिक्चर्स लेते हैं इधर, आपको शेयर करते हैं, देखें और एंजॉय करें आगे मोमेंट्स। चलते हैं, लेट्स सी, मिलते हैं आपको आगे।